समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में आयोजित किसान नौजवान पटेल यात्रा के छठवें चरण की यात्रा रविवार को गोरखपुर पहुंची, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसानों, नौजवानों, गरीबों, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। किसान नौजवान पटेल यात्रा को जिस तरह समर्थन मिला, आने वाले 2022 के चुनाव में जनता का विश्वास अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से किसान बेहद परेशान है, किसानों को लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ा दिया, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बिजली, शिक्षा का शुल्क, इलाज के दाम बढ़ा दिया, नौजवानों के साथ धोखा किया, नौजवान रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, भाजपा ने कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गठबंधन का फैसला किया जाएगा, जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद सभी सामने आई। अरे भैया पहले बैठा करके जिसको मिलना मिलवा दीजिए, उसको आपका हम बैठा दीजिए उसको। बहुत बढ़िया। अरे अरे अभी ठीक है। सुरक्षित नहीं, आंतरिक सुरक्षा खतरे में बाकी है। सरकार पक्षपात कर, खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा का छठवां चरण गोरखपुर से कल शुरू करके जनपद मऊ, जनपद आजमगढ़, जनपद जौनपुर, जनपद इलाहाबाद, जनपद भदोही, बनारस, मिर्जापुर होते हुए इलाहाबाद 31 अक्टूबर को यात्रा पहुँचेगी। 29 अगस्त से यह यात्रा हमने शुरू किया। इस किसान नौजवान पटेल यात्रा में जिस तरीके से सड़कों में किसान नौजवान आगे बढ़कर के इस यात्रा का सम्मान किया, हमारा मनोबल बढ़ाया, हम उन सभी किसान नौजवानों के आभारी हैं जो बीजेपी के 4.5 साल कार्यकाल से बेहद दुखी है, क्योंकि किसानों की फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा। कहा था कि हम किसानों को लागत का ड्योढ़ा देंगे, लेकिन किसानों की लागत का ड्योढ़ा नहीं मिल रहा, बल्कि उनका लागत मूल्य नहीं मिल रहा। बीजेपी ने 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही 2014 में, और आज महंगाई कहाँ पहुँच गई आप सब लोग जानते हैं। डीजल भी 100 रुपये के लगभग पहुँच गया, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर पहुँच गया। 43 रुपये लीटर 2014 में डीजल था, आज वो 100 के लगभग पहुँच गया है। पेट्रोल 63 रुपये लीटर था 2014 में, वो 107-110 तक पहुँच गया है। रसोई गैस का सिलेंडर 350-350 का था, वो 1000 के ऊपर निकल गया है। खाद की बोरी का वजन कम कर दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, और सिंचाई का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, इलाज का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई। बेरोजगारों के लिए कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, ये प्रधानमंत्री जी के वाक्य थे। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी 3-4 दिन पहले एक विज्ञापन दिया कि अभी तक हम 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दे पाए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों को जोड़ दिया, मनरेगा के मजदूरों को जोड़ दिया, तब 4.5 लाख का ये दावा कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ धोखा कर गई,
किसानों के साथ धोखा कर दिया, और छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार में रन कर रहे थे, चाहे बुनकर भाई हो, चाहे पीतल के बर्तन हो, चाहे कांच का काम हो, जो भी कुटीर उद्योग था उनकी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कहीं बिजली बढ़ा दिया, कहीं उनके ऊपर उत्पीड़न कर दिया, उनको भी धर्म जात के आधार पर उन सारे उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। कुटीर उद्योग करने वाले लोग बहुत दुखी हैं। दो साल के अंदर जो कोरोना वैश्विक महामारी के नाम पर करोड़ों अरबों के रुपए की लूट कर लिया, दो वर्ष में लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, इलाज की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, दवा के अभाव में लोग मर गए, और झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कोरोना वैश्विक महामारी पर काबू पा लिया। 21 दिन के अंदर कोरोना भगाने की बात प्रधानमंत्री ने अरबों रुपए के विज्ञापन दिए, अरबों रुपए के, कि 21 दिन के अंदर कोरोना भगा देंगे, और 21 महीने के ऊपर हो गया और कोरोना अभी है। कोरोना के नाम पर जनप्रतिनिधियों से पैसा लिया, उनकी निधियाँ लिया, उनके वेतन लिया, प्रदेश के कर्मचारियों से वेतन काटा, उद्योगपतियों से लिया, दुकानदारों से लिया, समाज के हर वर्गों से लिया, और पता ही नहीं चला वो पैसा कहाँ चला गया। अब भी लोग डेंगू से जाने कितने लोग उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान लोगों की बीमारी को इलाज करने में नहीं है, स्वास्थ्य करने में नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रचार करने में। अब आज योगी जी चुनाव प्रचार में निकल पड़े। पिछले दिनों जब समय कोरोना वैश्विक महामारी पूरे प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में चरम पर था, उस समय योगी जी प्रचार कर रहे थे बंगाल में, जिस जरूरत थी यहाँ तो बंगाल में प्रचार कर रहे थे, और बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं को चारों खाने चित्त कर दिया, और वही उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की निराशा और भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, किसानों में भी निराशा और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, समाज के हर वर्ग पर बहुत ही परेशानी है, आर्थिक तंगी से बहुत से लोग जीवन से खेल कर रहे हैं, जीवन के साथ उनका पूरी तरीके से जीवन बर्बाद हो रहा है। और अगर ये हमारे मीडिया के लोग सच्चाई जिस समय अपने अखबार में चैनल में दिखा देते हैं तो उनके ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई होती है, उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, उनके ऊपर छापे डाले जाते हैं, धमकी जाते हैं, मारे भी जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा अभिशाप है कि हमारे देश के लोकतंत्र में मीडिया को भी दबाया जाएगा, मीडिया को दबा करके लोकतंत्र स्वस्थ हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। मेरी समझ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही है वो शायद भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में इस तरीके की तानाशाही नहीं, किसी की बात नहीं सुनना उत्तर प्रदेश में, या अपने विधायकों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते, मंत्री लोग मुख्यमंत्री के कार्यों पर टिप्पणी करते हैं। अभी एक किस्सा हुआ था बरेली में, बरेली में केंद्रीय श्रम मंत्री राज्य मंत्री संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री जी गए थे बरेली, और जिस दिन बरेली मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को एक दिन में बड़ा चाक चौबंद कर दिया गया, चूना कड़ाई डाल करके डॉक्टरों को कपड़े पहना के, जो हमारे पैरामेडिकल के लोग थे उनको पहना करके, ये दिखाया गया कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन जब योगी जी वापस आ गए तो तीसरे दिन उन मंत्री जी ने लिख दिया, बरेली के मंत्री ने जो केंद्रीय मंत्री थे, कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आप बरेली, बरेली में आप आए वहाँ एक दिन में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, लेकिन पुनः वैसी हो गई, तो उन्हें हटा दिया गया क्योंकि वो बैकवर्ड थे, पिछले वर्ग के थे, और उन्हें हटा दिया गया। सामाजिक ताने बाने को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बर्बाद किया है, जिससे समाज के हर वर्ग में निराशा है और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाह से देख रही है कि माननीय अखिलेश यादव ने 2012 से 17 के बीच में जिस तरीके से अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के सभी समाजों का सम्मान किया, पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया, शिक्षा को नए आयाम दिए, चिकित्सा को नए आयाम दिए, ट्रांसपोर्ट को नए आयाम दिए, सुरक्षा को नए आयाम दिए, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को अच्छे ढंग से चलाएंगे। इसीलिए इस किसान नौजवान यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, जन समर्थन मिल रहा है, हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारा मनोबल बढ़ाया है, हम उस महान जनता का धन्यवाद करते हैं। कितनी सीटें निकालेंगे? हमारा लक्ष्य है 350 सीट का हमारा लक्ष्य है। गठबंधन में किस होगा? गठबंधन के बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व बताएगा फैसला, और जो फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या पार्टी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, वो फैसला हम सब कार्यकर्ता स्वीकार करते हुए जनता में ले जाएंगे।